वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की थी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन शटल। तो इलेक्ट्रॉन शटल को समझने की से पहले आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, नहीं तो ये वाला समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो अब वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे हमारे अधूरे, तो वो क्या थे कि जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH प्लस एच प्लस जो बनते हैं, 2NADH प्लस एच प्लस बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं, यानी साइटोसोल से वो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और उनसे कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ ATP इज जनरेटेड फ्रॉम NADH प्लस एच प्लस प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH प्लस एच प्लस जो प्रोड्यूस हुए थे, उनसे एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास जो सेल है उसमें दो शटल पाए जाते हैं, ठीक है। दो शटल पाए जाते हैं, पहला है मैलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरा है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ठीक है। दो, ये दो अलग अलग समय पर वर्क करते हैं और इनमें अलग अलग ATP का जनरेशन होता है, ठीक है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें देखा था कि 36 ATP का भी जनरेशन होता है और 38 ATP का भी जनरेशन होता है, तो वो सारा इस वीडियो में आपके समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में देखते हैं हम, पहले ये साइटोसोल होता है सेल के अंदर और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी, उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सेम इस तरह से इसमें हो जाएगा, यहाँ पर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो थोड़ा बड़ा बनाया है, इसमें प्रोसेस होगी तो उसके लिए जगह बनाने के लिए ये जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैलेट एस्पार्टेट शटल में क्या होता है, अब यहाँ पर जो साइटोसोल में ऑक्जेलो एसीटेट प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट, उसका यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन यहाँ पर किसके द्वारा होगा, NADH प्लस एच प्लस, जो कि हमारे किस में बना था, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, साइटोसोल में, ठीक है। तो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होता है, अब ये NADH प्लस एच प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मैलेट बना है वो किस में एंटर करेगा, मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैलेट जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स होती है उसके लिए परमिएबल होते हैं, यहाँ पर जो NADH प्लस एच प्लस है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में परमिएबल नहीं होता है, इसलिए वो उसके जो दो हाइड्रोजन्स होते हैं वो किस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, मैलेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, या मैलेट के थ्रू किसके अंदर जाते हैं, मैट्रिक्स में, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, ठीक है। अब मैलेट किस में कन्वर्ट हो जाए, मैलेट अंदर पहुंच गए यहाँ पर मैट्रिक्स में, ठीक है। और मैलेट का यहाँ पर वापस क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक, सॉरी ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट। तो ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होगा, यहाँ पर NAD प्लस के द्वारा, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में। और ये NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस एच प्लस। अब यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पर इसके जो दो हाइड्रोजन्स थे वो कहाँ पर आ गए, मैलेट के थ्रू अंदर आ गए, और फिर उन दो हाइड्रोजन्स को किसके द्वारा पिक कर लिया गया, NAD प्लस के द्वारा। अब ये जो यहाँ के दो हाइड्रोजन्स थे वो किस में एंटर कर गए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये जो यहाँ पर दो, ये सॉरी, जो NADH प्लस एच प्लस बना है ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर कर जाएगा और वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जो ऑक्जिलो एसीटेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पार्टेट में, ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एस्पार्टेट है वो वापस किसके किस में आ जाएगा, साइटोसोल में, मैट्रिक्स से साइटोसोल में आ जाएगा एस्पार्टेट, ठीक है। और ये एस्पार्टेट अगेन ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है या जो मैलेट एस्पार्टेट शटल है वो चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में
टू एन ए डी एच प्लस एच प्लस का फॉर्मेशन होता है, टू एन ए डी एच प्लस एच प्लस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो दो एन ए डी एच प्लस एच प्लस हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, सीधे ही किसके द्वारा, मेलेट के द्वारा। तो इनसे कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा था कि जो 10 एन ई डी एच प्लस एच प्लस बने थे उसमें जो दो एन ई डी एच प्लस एच प्लस थे वो किसके थे, ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें 6 एटीपी किसकी थी, यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस में एन ई डी एच प्लस एच प्लस बन रहे थे, ठीक है। अब ये हो गई हमारी किसकी बात, मेलेट एस्पार्टेट शटल की बात। अब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, साइटोसोल में डी एच ए पी प्रजेंट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। तो इसका रिडक्शन किसके द्वारा होगा, एन ई डी एच प्लस एच प्लस के द्वारा इसका रिडक्शन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन ए डी प्लस में, ठीक है। अब जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एंटर कर जाएगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट के पास जो एन ई डी एच प्लस एच प्लस के जो हाइड्रोजन पेयर्स हैं, दो हाइड्रोजन पेयर्स, वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, यहाँ पर एफ ए डी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। एफ ए डी जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ाए, जो एफ ए डी होता है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड का पार्ट होता है। तो ये एफ ए डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट से ये दो हाइड्रोजन पेयर से एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ए डी एस टू में, एफ ए डी एस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एच ए पी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, एफ ए डी के द्वारा। और ये डी एच ए पी वापस किस में आ जाएगा, साइटोसोल में आ जाएगा। अब ये जो एफ ए डी सॉरी जो एफ ए डी एस टू है वो किस में रन करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो ई टी एस में हमने 10 एन ई डी एच प्लस एच प्लस पढ़े थे कि वहाँ पर जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसमें 10 एन ई डी एच प्लस एच प्लस बन रहे थे, ठीक है। तो इसमें अब दो जो एन ई डी एच प्लस एच प्लस हैं इसमें से वो किसका फॉर्मेशन करें, एफ ए डी एस टू का, ठीक है। तो 2 एन ई डी एच प्लस एच प्लस किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 एफ ए डी एस टू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 2 एन ई डी एच प्लस एच प्लस मेलेट एस्पार्टेट शटल में सीधे ही एंटर कर गए मैट्रिक्स के अंदर, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो टोटल कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर 6। और यहाँ पर जो एन ई डी एच प्लस एच प्लस हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस वाले, वो एफ ई डी एस टू में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 एटीपी कम हो गई, ठीक है। ये 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है एक मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूल किसकी, 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एफ ई डी एस टू के द्वारा कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम टोटल एटीपी अगर इसमें काउंट करें तो कितनी हो जाएगी, 8 एन ई डी एच प्लस एच प्लस के द्वारा कितनी हो जाएगी, 24 एटीपी, ठीक है, जो कि किस में आए थे हमारे पास, क्रेब्स साइकिल में। और 4 एटीपी ये, और 4 एटीपी डायरेक्ट जनरेट होती है पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। और 4 एटीपी एफ ई डी एस टू, क्रेब्स साइकिल के जो एफ ई डी एस टू होते हैं वो 2 एफ ई डी एस टू मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कितनी एटीपी जनरेट हुई है हमारे यहाँ पर, 24, 28, 32, 32 और 36। तो यहाँ पर 36 एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है कि कैसे 36 और 38 यहाँ पर इस वाले में, जब साइकिल सेल में मेलेट एस्पार्टेट शटल रन करता है तो वहाँ पर टोटल कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 NADH प्लस H प्लस होते हैं और यहाँ पर 8 NADH प्लस H प्लस प्रेजेंट होते हैं जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल रन करता है इसे सेल में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।